नमस्कार, भारत के पहले मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। इस खास न्यूज बुलेटिन में खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नई पार्टी बना सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू, आम आदमी पार्टी समेत सभी पार्टियों के भागी हो सकते हैं शामिल। केजरीवाल ने पंजाब में पार्टी का सीएम उम्मीदवार बनाने से किया है इनकार। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने की हिंदू से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील, कहा दूसरे धर्म वाले जब इतने बच्चा पैदा कर रहे हैं तो आपको किसी कानून ने रोक रखा है क्या। उमर अब्दुल्ला की राष्ट्रपति से मुलाकात पर भड़के बीजेपी नेता राम माधव, ट्विटर पर भिड़े दोनों नेता, माधव ने मुलाकात को बताया राजनीतिक फायदा उठाने वाला। आरबीआई के नए गवर्नर उर्जित पटेल पर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी नरम, रघुराम के विदेश प्रेम और नीतियों की जमकर आलोचना कर चुके हैं स्वामी, केन्या के नागरिक रह चुके हैं उर्जित पटेल। और रियो ओलंपिक में देश का सिर गर्व से ऊंचा करने वाली पीवी सिंधु पर इनामों की बारिश, अब तक 13 करोड़ से ज्यादा के इनाम की घोषणा, भारत लौटते हैं बीएमडब्ल्यू कार का मिलेगा तोहफा। और अब देखते हैं आज की कुछ और बड़ी खबरें। नवजोत सिंह सिद्धू के आम आदमी पार्टी में जाने के अवसर लगभग खत्म हो चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में आपका सीएम उम्मीदवार बनाए जाने से इनकार कर दिया है। इसके चलते अब सिद्धू परेशान है कि अगला कदम क्या उठाया जाए। एक विकल्प ये भी बताया जा रहा है कि अपनी पार्टी का ऐलान कर सकते हैं, इसमें सभी पार्टियों के असंतुष्ट नेताओं को शामिल किया जा सकता है, आपके असंतुष्ट नेता भी इसमें जा सकते हैं। हालांकि अलग पार्टी बनाना केवल शुरुआती विचार है। गौरतलब है कि सिद्धू ने जुलाई में राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, हालांकि वे बीजेपी में बने हुए थे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू से ज्यादा बच्चा पैदा करने की अपील की है। शनिवार को आगरा में आयोजित एक कार्यक्रम में भागवत ने कहा कि दूसरे धर्म वाले जब इतने बच्चा पैदा कर रहे हैं तो क्या आपको किसी कानून ने रोक रखा है। भागवत यहां विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मोहन भागवत ने कहा कि आप लोग कह रहे हैं कि उनकी जनसंख्या बढ़ रही है, इस पर उन्होंने कहा कि हिंदुओं को किसने रोका है। सम्मेलन में भाग लेने आए टीचर ने मोहन भागवत से सवाल करते शिक्षा में बदलाव की बात करने के साथ साथ आरक्षण व्यवस्था खत्म करने के भी सवाल किए हैं। अध्यापकों द्वारा किए गए सवालों का जवाब देते हुए सर संचालक मोहन भागवत ने कहा कि व्यवस्था बदलने के लिए खुद में बदलाव लाना होगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और बीजेपी के महासचिव राम माधव के बीच सोशल मीडिया पर कहासुनी हो गई। ट्विटर पर दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे पर निशाना साधा। इस जंग की शुरुआत राम माधव के ट्वीट के बाद हुई थी। दरअसल शनिवार को जम्मू कश्मीर के विपक्षी दल के नेता राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलने के लिए दिल्ली आए थे। इस मुलाकात का नेतृत्व उमर अब्दुल्ला ने ही किया था। माधव ने अपने ट्वीट में किसी का नाम नहीं लिखा था, लेकिन अब्दुल्ला ने उनका नाम लेकर ट्वीट किया। माधव ने लिखा था, राजनीतिक समाधान निकालने वाली मुलाकातें राजनीतिक फायदा लेने के लिए होती हैं। इससे राज्य की स्थिति सामान्य नहीं होगी, बल्कि इससे राज्य में तनाव और पैदा होगा। माधव का ये ट्वीट अब्दुल्ला को पसंद नहीं आया और उन्होंने कहा कि माधव को नाम लेकर बात करनी चाहिए। आरबीआई के मौजूदा गवर्नर रघुराम राजन की नीति और विदेश प्रेम को लेकर आलोचना करने वाले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी अगले गवर्नर अरजीत पटेल को लेकर नरम नजर आ रहे हैं। उन्होंने ट्विटर पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि उनकी आलोचना करना मूर्खता होगी। उर्जित के केन्या के नागरिक होने के बारे में पूछे गए सवाल पर स्वामी ने कहा वो केन्या के नागरिक हैं नहीं बल्कि थे। रघुराम राजन भारत में जन्मे और 2007 के बाद से भारत में रहने के बावजूद अमेरिका ग्रीन कार्ड रखे हुए हैं। आपको बता दें कि रघुराम राजन द्वारा ऊंची ब्याज दरें रखने को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने उन पर जबरदस्त हमला किया था और कहा कि उनकी नीतियां भारत के लिए सही नहीं है। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि रघुराम को वापस शिकागो भेज देना चाहिए। आगरा में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सर्वजन सुखाए सर्वजन हिताए नामक रैली से चुनावी अभियान की शुरुआत की और बीजेपी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर एक एक कर हमले किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सपा और भाजपा की नीयत और नीति को जनता समझ चुकी है, इस बार बीएसपी को सत्ता में आने से कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। पूर्ण बहुमत की सरकार आने से यह न्याय और अच्छे दिन आएंगे। बीजेपी पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार के दौरान बीजेपी ने विकास नहीं किया बल्कि आरएसएस के एजेंडे पर चलते हुए सांप्रदायिकता को ही मजबूत किया। उन्होंने कहा कि आरक्षण खत्म करने की ये लोग साजिश कर रहे हैं, लेकिन बीएसपी ऐसा होने नहीं देगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को शनिवार को गोवा आरएसएस प्रमुख सुभाष वेलिंगर की अगुवाई वाले संगठन के सदस्यों ने काले झंडे दिखाए।
संगठन प्राथमिक स्कूलों में क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने की पैरवी कर रहा है और राज्य में अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में सरकारी अनुदान रोकने की भी मांग कर रहा है। ये घटना तब हुई जब अमित शाह पणजी के पास में बीजेपी कार्यकर्ता की एक सभा को संबोधित करने के लिए जा रहे थे। भारतीय भाषा सुरक्षा मंच वेलिंगर की अगुवाई वाला संगठन है। ये अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को सरकारी अनुदान को वापस लेने की मांग कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के साथ दोस्ती के पारंपरिक रिश्तों को और बेहतर बनाने का संकल्प जताते हुए वहां के नए प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड को भारत यात्रा पर आमंत्रित किया है। पीएम मोदी ने नेपाल के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बिमलेंद्र निधि के मार्फत ये आमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में बताया गया है कि मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने प्रचंड के नेतृत्व वाली नई सरकार को अपनी शुभकामनाएं दी और अपनी सुविधा अनुसार भारत की जल्द से जल्द यात्रा पर आमंत्रित किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच के रिश्ते सिर्फ दो सरकारों के बीच नहीं बल्कि दोनों देशों के लोगों के बीच है और भारत नेपाल के लोगों के साथ दोस्ती और पारिवारिक रिश्तों के इस पारंपरिक बंधन को मजबूत करने के लिए प्रतिसंकल्पबद्ध है। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने आज दोबारा दोहराया कि चंडीगढ़ पर केवल पंजाब का हक है और कांग्रेस ने राज्य से बड़ा भेदभाव करके इसे राज्य से छीना है। बादल ने यहां संत हरचंद सिंह लोंगोवाल की 31वीं बरसी के मौके पर राज्य स्तरीय श्रद्धांजलि समारोह में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि देश में कहीं भी और ऐसी मिसाल नहीं है जहाँ किसी राज्य को उसकी राजधानी से बेमुख किया गया हो, लेकिन पंजाब के साथ बड़ी ज्यादती करते हुए कांग्रेस की केंद्र में रही सरकार ने चंडीगढ़ को उसे नहीं दिया, जबकि 1980 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोकसभा में घोषणा भी कर दी थी। बादल ने कहा कोई इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता है कि मूल राज्य पंजाब का उसकी राजधानी शहर चंडीगढ़ पर पूर्ण अधिकार है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की पल पल की खबरों के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी के साथ।